रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाए लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। आसाराम करता था इस नुस्खे का सेवन, फायदे जानकर हो जाएंगे हैरान। आज के इस अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नाबालिग से रेप करने के मामले में आसाराम को दोषी पाया गया, इसलिए कोर्ट ने आसाराम को आजीवन कारावास की सजा दी है। मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार आसाराम कुछ देशी दवाओं का सेवन करता था, जिसकी चर्चा हम आज के इस अंक में करेंगे। आसाराम अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए भी वे कुछ औषधि का सेवन करता था। मूसली दो प्रकार की होती है, काली मूसली और सफेद मूसली। बाजार में अत्यधिक मांग और ऊंची कीमतों के कारण आदिवासी किसानों के लिए सफेद मूसली की खेती बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। इसीलिए अब यहां कृषि यूनिवर्सिटी और कृषि विज्ञान केंद्र वघई द्वारा प्रयत्न किए जा रहे हैं कि मूसली की फसल का उत्पादन अधिक से अधिक हो सके। आपको बता दें, सफेद मूसली में मर्दानगी बढ़ाने के औषधीय तत्व मौजूद होते हैं। यह शुक्राणुओं को गाढ़ा करने और उसकी मात्रा बढ़ाने में सहायक है। गूगल यह इच्छा को बढ़ाता है। यह सिर्फ पुरुषों के लिए ही नहीं बल्कि महिलाओं के लिए भी उतनी ही गुणकारी औषधि है। सफेद मूसली शीघ्रपतन के देसी इलाज के काफी मशहूर है। कौंच के बीज, सफेद मूसली और अश्वगंधा के बीजों को बराबर मात्रा में मिश्री के साथ मिलाकर बारीक चूर्ण बनाकर एक चम्मच चूर्ण सुबह और शाम एक कप दूध के साथ लेने से शीघ्रपतन और स्पर्म की कमी जैसी समस्याएं दूर हो जाती हैं। सालों से विभिन्न दवाइयों के निर्माण में भी सफेद मूसली का उपयोग किया जाता है। अब तो आप जान गए होंगे सफेद मूसली कितनी गुणकारी है। लाइक और फॉलो बटन दबाकर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आसाराम के लड़के का क्या नाम है। कमेंट करें।